हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएस क्लास एंड वी वर रीडिंग चैप्टर द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. इन दैट वी हैव रेड अबाउट विच कंट्री डीआर कोंगो. वी हैव रेड अबाउट लाइफ ऑफ पीपल, वाइल्ड लाइफ ऑफ डीआर कोंगो, फिजिकल फीचर्स ऑफ डीआर कोंगो. टुडे वी विल रीड अबाउट मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ डीआर कोंगो. टुडे वी विल रीड अबाउट मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ डीआर कोंगो. मिनरल्स होता है बेटा खनिज पदार्थ, ठीक है, जो हमें जमीन से मिलते हैं, जो पत्थरों से मिलते हैं. और इंडस्ट्रीज, तुम्हें पता ही है इंडस्ट्रीज में क्या होता है, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बना तैयार किया जाता है. जैसे कॉटन से थ्रेड बनता है और थ्रेड से फिर कपड़ा बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है. नाउ कोंगो इज मिनरल रिच कंट्री. कोंगो क्या है, मिनरल रिच कंट्री है, मतलब खनिज का धनी है कोंगो. इट हैज रिच डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, कॉपर, डायमंड, टिन, मैगनीज एंड यूरेनियम. अब उधर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में. रिच डिपॉजिट मतलब बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है, किस किस चीज का, गोल्ड, कॉपर, डायमंड, टिन, मैगनीज एंड यूरेनियम. ये मिनरल्स मिलते हैं बेटा वहां पर. और ये ऐसे ही नहीं मिलते, जैसे गोल्ड है, गोल्ड के कानों के डालते हैं, ज्वेलरी बनती है ना, तो ये ऐसे ही नहीं मिलते, ये पत्थर में होते हैं और इनको अलग करना पड़ता है पहले. इसीलिए इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है, वहां पर ले जाकर इनको अलग करते हैं, फिर इनसे ज्वेलरी बनाते हैं. ये सारे मिनरल्स इस तरह किए जाते हैं, ठीक है. कटंगा प्रोविंस ऑफ कोंगो इज रिच इन डायमंड. कटंगा जो प्रोविंस है, प्रांत है या प्रदेश है, वहां वो क्या है, डायमंड का धनी है. वहां पर बहुत ज्यादा डायमंड मिलता है. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड एज इंडस्ट्रीज आर नॉट मच डेवलप्ड इधर हियर. बहुत सारा जो मिनरल्स हैं बेटा, ये जो अधिकतर मिनरल्स हैं, ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी दूसरे देश में बेचे जाते हैं. एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात करना, दूसरे देश में बेचना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा विकसित इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है. ऑल्दो अ फ्यू इंडस्ट्रीज, हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर. कहाँ पे, डीआर कोंगो में. डीआर कोंगो में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब क्लॉथ इंडस्ट्रीज को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोलते हैं. केमिकल, सीमेंट, पेपर, सोप एंड टोबैको आर बेस्ड हियर, मतलब यहाँ पर ये सारी इंडस्ट्रीज हैं. पीपल आर एंगेज्ड इन माइनिंग इन ग्रेट नंबर, और बहुत ज्यादा संख्या में लोग माइनिंग, यानी माइन होता है खान, ठीक है, जो मिनरल्स निकालते हैं, नीचे होते हैं जमीन में, तो उनके लिए खुदाई करनी पड़ती है, तो उसे कहते हैं माइनिंग. ये देखो कर रहे हैं ना माइनिंग, ये लोग कर रहे हैं माइनिंग, ठीक है. तो ये मिनरल्स निकालने के लिए उन्हें खुदाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये जमीन के नीचे मिलते हैं, ठीक है बेटा. तो बहुत सारे लोग माइनिंग में भी एंगेज्ड व्यस्त रहते हैं. नेक्स्ट, वाटर रिसोर्सेस. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट वाटर रिसोर्सेस. कोंगो इज रिचेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर, बट इट्स वाटर रिसोर्सेस आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड. मतलब कोंगो वाटर का भी धनी है, ठीक है, क्योंकि वाटर भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, और वाटर पूरा यूटिलाइज, पूरा यूज भी नहीं होता, पूरा यूटिलाइज नहीं किया जाता, पूरा यूज नहीं किया जाता. इफ हार्वेस्टेड टू इट्स फुल पोटेंशियल, द कंट्रीज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोवाइड पावर टू द होल ऑफ अफ्रीका. अगर हम उस कंट्री के पूरे वाटर को, वाटर की क्षमता को इकट्ठा करके यूज किया जाए वो वाटर, तो क्या कर सकता है, उससे इतनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकती है, पैदा हो सकती है, कि वो पूरे जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसको पावर प्रोवाइड कर सकती है, पावर दे सकती है, इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है. इज इट क्लियर. अ नंबर ऑफ डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर कोंगो. मतलब बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं कोंगो रिवर पे. डैम का नाम क्या है, इंगा डैम. डैम का नाम क्या है, इंगा डैम. बेटा रिवर पे डैम क्यों बनाए जाते हैं, रिवर पे डैम इसलिए बनाए जाते हैं वाटर स्टोर करने के लिए पहला तो, दूसरा फ्लड रोकने के लिए, कि रिवर का पानी जब ऊपर आ जाता है तो आसपास के इलाकों में भर जाता है, तो उसे फ्लड कहते हैं, बाढ़ आना कहते हैं. तो डैम मतलब ऊंची सी दीवार बना दी जाती है जिससे वो वाटर बाहर नहीं जाता, ठीक है. तो फ्लड को रोकने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, तो ये वर्क है डैम के, ठीक है. तो कौन सा डैम है कोंगो रिवर पे, इंगा डैम. कौन सा डैम है, इंगा डैम. द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय दीज डैम्स इज सप्लाइड टू नेबरिंग कंट्रीज सच एज
जेम्बिया, एंगोला एंड बुरुंडी। मतलब बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी इस डैम से उत्पन्न होती है, ठीक है, पैदा की जाती है, उसको सप्लाई किया जाता है, भेजा जाता है कहाँ पर, नेबरिंग कंट्री, पड़ोस की जो कंट्रीज हैं उनमें, देशों में, जेम्बिया, एंग्लो एंड बुरुंडी में भेजा जाता है। इज इट क्लियर? नाउ इम्पोर्टेंट सिटीज, नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ DR कोंगो। पीपल लिव इन सिटीज हैव अ फार बेटर लाइफ स्टाइल देन दोज लिविंग इन विलेज। मतलब जो लोग सिटीज में रहते हैं उनकी लाइफ फार बेटर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। किसकी लाइफ स्टाइल से? जो लोग विलेज में रहते हैं उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा अच्छी है, कई गुना अच्छी है। इवन दीज डेज द विलेज पीपल लेड ए प्रिमिटिव लाइफ। आजकल भी जो विलेज पीपल है, जो गांव में लोग हैं, वो प्रिमिटिव लाइफ यानी प्राचीन जिंदगी जीते हैं, मतलब पुरानी, अपने पुरानी वाली जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है बेटा, द सिटी पीपल लेड ए मॉडर्न लाइफ। और सिटी में, शहरों में लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं? मॉडर्न, आधुनिक जिंदगी, मतलब अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, ठीक है, अच्छे घरों में रह रहे हैं, तो वो आधुनिक मॉडर्न जिंदगी, मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। द इम्पोर्टेंट सिटीज आर किंशासा, मातादी, लुबुम्बशी, किशंगनी। ये चार इम्पोर्टेंट सिटीज हैं कहाँ की? DR कोंगो की। ठीक है, नाउ वन क्वेश्चन कैन बी मेड हियर, इंटरनल क्वेश्चन, दैट विच आर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ DR कोंगो, या नेम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ DR कोंगो। क्या बोलोगे? किंशासा, मातादी, लुबुम्बशी, किशंगनी। ठीक है, नाउ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कोंगो रिवर, किंशासा इज द कैपिटल ऑफ DR कोंगो। मतलब किंशासा कहाँ पर स्थित है? बैंक ऑफ कोंगो रिवर, कोंगो रिवर के बैंक पे, बैंक यानी तट पे, किनारे, बैंक होता है रिवर का किनारा, ठीक है, उस रिवर के किनारे बसी हुई है कौन? किंशासा। तो ये कैपिटल भी है DR कोंगो की, कैपिटल मीन्स राजधानी। ठीक है, मातादी इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी। और मातादी क्या है? पोर्ट सिटी है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बेटा रिवर है, रिवर से ही सामान ले जाया लाया जाता है, लोग भी आते जाते हैं, तो क्या है, सामान उतारा और चढ़ाया जाता है यहाँ से, तो इसीलिए ये क्या है, मातादी इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है। ठीक है, लास्ट स्टॉप है उन बोट्स का या शिप्स का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट। आगे हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो हमें एक जगह से दूसरी जगह, या हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट यानी यातायात। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ कोंगो इज नॉट वेल डेवलप्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंस फॉरेस्ट। मतलब ट्रांसपोर्ट कोंगो का वेल डेवलप्ड, अच्छे से विकसित नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, प्रेजेंस मीन्स उपस्थित है। ठीक है, रिवर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहाँ है? रिवर्स ही है, रिवर से ही जाते आते हैं लोग, और रिवर से ही सामान आता जाता है, यानी बोट में या शिप्स में सामान आता जाता है, इसीलिए रिवर मेन सोर्स है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के। द कोंगो रिवर इज कॉल्ड हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। कोंगो रिवर को हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से आना जाना होता है, और ये सेंट्रल अफ्रीका में बहती है। ये रिवर कहाँ बहती है? अफ्रीका के सेंटर में, बताई थी ना, तो इसीलिए हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका माना जाता है। एक और इंटरनल क्वेश्चन बना बेटा, विच रिवर इज कॉल्ड हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका? तो द कोंगो रिवर इज कॉल्ड हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स मैनी एरियाज हैज बीन कनेक्टेड बाय रोड्स, रेलवेज, रेलवे लाइन्स। मतलब हालांकि अभी फिलहाल, हाल ही में, ठीक है, कुछ ही साल पहले क्या हुआ है, एरियाज को, कुछ एरियाज को जोड़ दिया गया, कनेक्टेड मीन्स जोड़ दिया गया है। किसके एरियाज को? DR कोंगो के एरियाज को, रोड्स और रेलवे लाइन से, यानी रोड्स भी बन गए और रेलवे लाइन्स भी बन गई है, वहां से जोड़ दिया गया उन्हें। ऑलमोस्ट ऑल द बिग सिटीज आर कनेक्टेड बाय एयर रूट्स। और बड़ी बड़ी सारी सिटीज को एयर रूट से कनेक्ट किया गया है, जैसे कई बड़ी बड़ी सिटीज में एयरपोर्ट भी बन गए हैं। ठीक है बेटा, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।